स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है पेपर क्रोमैटोग्राफी में कि हाउ क्रोमैटोग्राम इज डेवलप्ड इफ़ द कंपोनेंट्स आर कलरलेस। अगर जो कंपोनेंट्स हैं जिनको हमने सेपरेट किया है वो कलरलेस हैं, तो हम किस तरह से क्रोमैटोग्राम को डेवलप कर सकते हैं, मींस कि हम किस तरह से क्रोमैटोग्राम को विजिबल बना सकते हैं और उसकी फर्दर टेस्टिंग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, दो मेथड्स हैं हमारे पास बेसिकली। एक मेथड है फिजिकल मेथड और दूसरा मेथड है केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में हम क्या करते हैं, बाय हीटिंग द क्रोमैटोग्राम या बाय थ्रोइंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उसके ऊपर थ्रो करते हैं, तो जिससे क्या होता है, स्पोर्स हमारे ग्लो करते हैं, सो वी कैन आइडेंटिफाई देम। तो ये देखिए, मेरे पास अगर फ़र्ज़ करें ये क्रोमैटोग्राम है और इसके ऊपर मुझे कोई भी कंपोनेंट जो है वो विजिबल नहीं शो हो रहे, तो मैं क्या करूँगा, इसको या तो हीट करूँगा क्रोमैटोग्राम को थोड़ा सा, या इसके ऊपर क्या फाल करूँगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। तो जिससे क्या होगा, हमारे जो स्पॉट्स होंगे वो ग्लो करेंगे और हम उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे और बाद में उनकी जो RF वैल्यूज़ हैं वो कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा जो हमारे पास तरीका है वो है केमिकल मेथड्स का। केमिकल मेथड्स में हम क्या करते हैं, हम लोकेटिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं। लोकेटिंग एजेंट्स स्टूडेंट्स बेसिकली केमिकल्स ही होते हैं जो कि हमारे स्पोर्ट्स को, हमारे कंपोनेंट्स को लोकेट करते हैं, उनको विजिबल करते हैं। अब वो जो लोकेटिंग एजेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइप्स के हैं। आमतौर पे हम हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ करते हैं, 2,4-dinitrophenyl हाइड्राजिन यूज़ करते हैं, अगर हमने LDHD और कीटोन वगैरह को आइडेंटिफाई करना हो, निन हाइड्रन यूज़ करते हैं अमाइनो एसिड्स वगैरह के लिए, रोबेनिक एसिड यूज़ करते हैं, अमोनिया आमतौर पर यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली कुछ लोकेटिंग एजेंट्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एजेंट्स हैं जिनको हम यूज़ करके अपने जो क्रोमैटोग्राम है उसको डेवलप कर सकते हैं और अपने जो स्पॉट्स हैं उनको विजिबल कर सकते हैं, ताकि हम उनकी RF वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकें। और ये जो प्रोसीजर है केमिकल मेथड वाला, ये जो केमिकल मेथड वाला प्रोसीजर है स्टूडेंट्स, ये कैसे करते हैं, दिस इज़ डन बाय स्प्रेइंग लोकेटिंग एजेंट। ये कैसे करते हैं कि हम लोकेटिंग एजेंट को स्प्रे करते हैं इस क्रोमैटोग्राम के ऊपर, या फिर इस क्रोमैटोग्राम को पकड़ के लोकेटिंग एजेंट का जो सोल्यूशन है, और बाय डिपिंग क्रोमैटोग्राम इन लोकेटिंग एजेंट, और लोकेटिंग एजेंट का जो सोल्यूशन होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, डिप करके बाहर निकाल लेंगे, तो इससे जो हमारे स्पॉट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, विजिबल हो जाएंगे। तो ये दो मैथड्स थे स्टूडेंट्स, फिजिकल मैथड और केमिकल मैथड्स। अब एक बात इंपॉर्टेंट आपने जो याद रखनी है कि जो फिजिकल मैथड्स होते हैं हमारे पास वो नॉन डिस्ट्रक्टिव होते हैं। वो क्या होते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव। और जो केमिकल मेथड्स हैं वो डिस्ट्रक्टिव होते हैं। अब ये नॉन डिस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का आपको सिंपल वर्ड्स में मीनिंग बताऊं तो वो ये बनता है कि नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड्स में हमारे कंपोनेंट विजिबल हो जाते हैं और कोई भी अजाफी स्पॉट्स नहीं आते हमारे क्रोमैटोग्राम के ऊपर। लेकिन ये जो केमिकल मेथड है ये डिस्ट्रक्टिव होते हैं आमतौर पे, जिसकी वजह से हमारा जो क्रोमैटोग्राम होता है उसके ऊपर कुछ अजाफी धब्बे से बन जाते हैं, अजाफी स्पॉट्स बन जाते हैं, इंप्रेशंस आ जाते हैं, डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं। तो जिसकी वजह से ये जो केमिकल मेथड्स हैं इनको हम कहते हैं ये डिस्ट्रक्टिव मेथड है। तो ये स्टूडेंट्स इसका आंसर था कि फिजिकल मेथड बाय हीटिंग और बाय अल्ट्रावायलेट, जिसकी वजह से स्पॉट्स ग्लो करते हैं, हम उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। केमिकल मेथड बाय यूजिंग लोकेटिंग एजेंट, ये वाले लोकेटिंग एजेंट्स हैं जो कि कंपाउंड्स की टाइप्स, आयंस की टाइप्स के लिहाज से हम यूज़ करते हैं। और ये किस तरह से करते हैं, केमिकल मेथड वाला जो प्रोसीजर है, या तो स्प्रे करते हैं उसको लोकेटिंग एजेंट्स को, या फिर क्रोमैटोग्राम को डिप कर देते हैं लोकेटिंग एजेंट्स के सोल्यूशन में।